So we are in module number 4. I had given you a PPT idea. So you have to go through all these things. And today we'll go for the lab. So it will be interesting and it is very important also because the basic part. And if this is not properly done, then everything, every resource in AWS will be at stake. Okay, so we have to do this. Basically, it is lab number one, but we have gone through in a different way. So now it is our maybe lab number 4 or whatever. So in the meantime, it is starting. Let us come to our PPT and we'll see that scenario that what we have to do. So we'll directly jump up to that particular slide. So this will be today's scenario for us. Okay. There will be 3 users. All these 3 users will be IAM users. Okay. And they will belong to some group. That is EC2 admin, IAM group, EC2 support, IAM group. Is S3 support IAM group. So here you can see user 3 belongs to EC2 admin. User 2 belongs to EC2 support. User 1 belongs to S3 support. So we'll see this scenario that why we have given some policies to EC2 admin. Why we have given some policies to EC2 support and why other policies to S3 support. And how we can ensure that whatever policies we have given them so that only that part of work they will be doing and they can't go for other kind of access. So this is our scenario. Okay, so let us start. And so here, firstly, as we do every time, we go for start lab. So we'll click on Start Lab.
So it will create your lab environment in a minute. अब मेरा वो क्वेश्चन पुराना रह गया है. मैंने पिछली क्लास में एक ही स्टूडेंट था तो उसको बताया था कि जब हम ये स्टार्ट लैब कर, ये एक सिंपल टेक्निकल जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी बेस्ड. मैंने पहले ही पूछा था, इसका आंसर कोई अगर आप में से बता पाए कि जब हम ये स्टार्ट लैब क्लिक करते हैं तो बेसिकली AWS के अंदर होता क्या है. कौन बताएगा? लैब तो आपकी रेडी हो गई, ये सामने लिखा हुआ, इससे देख के बता पाएंगे. कोई बता पाएगा या मैं बताऊं? हेलो सर, यूएस वेस्ट वाले रीजन में हमारा एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया है, लाइक जहां पे हम वर्क कर सकते हैं. एनीबडी नो द कीवर्ड कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड? सुना है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड? सुना है क्या होता है? एनी आइडिया? यस सर, लाइक अगर हमें खुद ही ऑफिस खोलना होता है तो अपन एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपन को बनाना होता है, बट अब वो AWS खुद ही प्रोवाइड कर देता है. सर एम आई राइट? नहीं, नो. मैंने आपसे, आप ही लोगों से जब ये क्वेश्चन पूछा था तो एक और क्वेश्चन पूछा था, सेकेंडरी क्वेश्चन, कि क्या आप लोग ने टेराफॉर्म का नाम सुना है? टेराफॉर्म ये एक कंपनी है, हैशी कोड करके उसने डिजाइन किया है टेराफॉर्म. सुना है किसी ने? एटलीस्ट सुना है कि नहीं सुना? नो सर, नहीं सुना. बेसिक, अच्छा चलो, टेराफॉर्म नहीं सुना, इसको और थोड़ा सा नीचे जाते हैं. हमको इतना पता है कि देर आर जेसॉन फाइल एंड देर आर यामिल फाइल. यस और नो? जेसॉन फॉर्मेट, यामिल फॉर्मेट पता है? सर जेसॉन फॉर्मेट पता है, यामिल नहीं पता. अच्छा ठीक है. बेसिकली आज के डेट में अगर कोई भी आईटी प्रोफेशनल है तो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट एंड सर्विस या किसी भी तरह का इधर से उधर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ कोड और एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी काइंड ऑफ सेटिंग्स और समथिंग that is exported either in JSON format or in YAML format. ठीक है ना? आपने, आप में से, चलो इसको और थोड़ा सा थोड़ा अलग ले जाते हैं जब तक ये चालू हो रहा है. Anaconda पे आपने Jupyter notebook चलाया है, yes or no? सर जुपिटर नोटबुक चलाया है. उसमें अगर हम एनाकोंडा पे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, करते हैं ना, यस और नो? यस सर, करते हैं, है ना. तो अगर हमको वो एनवायरनमेंट एज इट इज कहीं एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट फाइल क्या बनेगी? यामिल फाइल बनती है, है ना. हम में से कुछ लोगों ने नोड रेड पे काम किया, आईओटी पे, यस और नो? नो. नो, चलो कोई बात नहीं. अगर मेरे पास एक नोड रेड पर आईओटी का पूरा इंप्लीमेंटेशन है जो मैंने बनाया कहीं पर बैठ के, अब मुझे उसे कहीं और ले जाना है, तो आई कैन एक्सपोर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ जेसॉन फाइल,
then that JSON file I'll take it with myself, or I'll email myself, or whatever I can do. And on the other platform, I will import it. So I'll get back the same thing. Okay, so that is the thing. तो बेसिकली और एक चीज और बता दें, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सुना है? यस और नो? डॉकर कंटेनर सुना है? यस और नो? कंटेनराइजेशन सुना है? Yes. What is containerization, anybody? What is virtualization? चलो containerization को छोड़ दो. What is virtualization? Sir, like using something which is not physically present with us. उसका example बताओ. Example. Example, sir, like we are connected together virtually, or like we can use the resources of AWS virtually. लगता लैब ढंग से बनी नहीं ये वाली, फिर से मैं बनाता हूं ये. चलो ये बन रही है. अच्छा, इसको और स्पेसिफिकली मैं बोलता हूं. मान लीजिए मेरे पास एक विंडोज सर्वर है, ठीक है, उसमें मुझे इंटरनली कुछ लिनक्स स्टेशन बनाने हैं. मैं बना सकता हूं? यस. सो दिस इज वर्चुअलाइजेशन. इज इट अ वर्चुअलाइजेशन? यस. Then what is containerization? Any idea? मैं बताता हूं. तो ये जानना जरूरी है, बिकॉज देखो क्या है कि आज की जिस फील्ड में हम लोग हैं, बहुत आगे चीजें निकल चुकी हैं और बहुत कुछ हो रहा है और हम पता नहीं कहां पर बैठे हैं. देखो, कंटेनराइजेशन का मतलब ये है, वर्चुअलाइजेशन में क्या होता, आप पूरा एक वर्चुअल ओएस बनाते हो, ठीक है ना. यानी कि मान लीजिए मेरे पास एक सर्वर मशीन है, उसके अंदर मैंने कोई दूसरे या उसी टाइप का ओएस मैंने इंस्टॉल किया, तो मेरे पास पूरा ओएस आएगा. यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एंड लैप करना पड़ेगा लगता. पहले एंड लैप करेंगे, फिर स्टार्ट लैप करना पड़ेगा. तो पूरा ओएस बनेगा और काम होगा, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे मदर ओएस के अंदर दूसरा पूरा वर्चुअल ओएस नहीं चाहिए, उतना तामझाम नहीं चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज वेस्ट होंगे. तो मैं वर्चुअलाइजेशन करूंगा कि कंटेनराइजेशन करूंगा? एनीबॉडी? एनी कंटेनराइजेशन. कंटेनराइजेशन किसने बोला? नाम बताओ. नाम Michel. बोलो कंटेनराइज. मिशेल. मिशेल, वेरी गुड मिशेल. सो दैट इज व्हाई डॉकर इज वेरी मतलब फेमस. वाई इट इज फेमस? बिकॉज इट इज अ मैकेनिज्म फॉर कंटेनराइजेशन. अब कंटेनराइजेशन में क्या होता है, आपके पास एक मदर ओएस है, यानी कि
या तो आपके सिस्टम पे है या आपने क्लाउड में जैसे EC2 पे बनाया, कुछ भी हो सकता है, मतलब उसको भी मदर OS मान लो आप, आपके लिए तो वो मदर OS है। अब उसमें मुझे एक जो है कुछ जावा यूटिलिटी चलानी है, एक मुझे कुछ पाइथन यूटिलिटी चलानी है, एक मुझे नोड JS यूटिलिटी चलानी है, ठीक है ना। तो और उनके अपनी तीनों की अपनी अपनी डिपेंडेंसीज हैं, मतलब क्या प्रीरिक्विजिट चाहिए वगैरह वगैरह। तो कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर्स लाइक डॉकर ये क्या करते हैं, आप उसकी स्क्रिप्ट चला दोगे, इसकी इमेज पुल कर लोगे, वो रन होगी, तो इट विल क्रिएट अ कंटेनर ओवर योर OS और उस कंटेनर में सारे रिसोर्सेज, मतलब मेमोरी यूसेज और बाकी रिसोर्सेज मिलेंगे और वो कंटेनर वहां पर चलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से नोड JS का कंटेनर चलेगा, पाइथन का कंटेनर चलेगा, तो तीन कंटेनर चल रहे, ठीक है ना। अगर इसी चीज को आप वर्चुअल OS बनाते तो क्या करना पड़ता, मदर OS के अंदर एक OS चलाया उसमें जावा चला रहे हो, दूसरा OS चलाया उसमें पाइथन चला रहे हो, तीसरा OS चलाया उसमें ये चला रहे हो, तो फालतू में तीन तीन OS चला रहे हो, तो जो कि एडवाइजेबल नहीं है। इसलिए कंटेनर फेमस हुए। तो कंटेनराइजेशन क्लियर है सबको, यस और नो? अब मैं ये क्यों बता रहा हूं उसका कारण बताता हूं आगे, हाँ या नहीं बोले, कंटेनराइजेशन क्लियर है कि नहीं, यस और नो? यस। हेलो, ओके। नाउ ये कंटेनर्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं कभी जरूरत पड़ने पर, यस और नो? कर सकते हैं। एंड देयर कैन बी 5 कंटेनर्स, देयर कैन बी 12 कंटेनर्स, देयर कैन बी 16 कंटेनर्स, देयर कैन बी 40 कंटेनर्स, यस और नो? यस। सो एंड दे कैन, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब ये इनके बीच में आपस में भी इंटरेक्शन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। क्यों चाहिए? क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में बहुत सारा कुछ काम कराना चाहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमारी कोई एक हमारा सर्विस है जिसको हम माइक्रो सर्विसेज बेस्ड चलाना चाहते हैं, सो वी कैन क्रिएट मे बी 100 सर्वर कंटेनर्स ऑफ सेम काइंड एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक, क्लाइंट ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मान लीजिए पेमेंट गेटवे पे बहुत सारा लोड आ गया, तो पेमेंट गेटवे प्रोसेसिंग कंटेनर्स 5 से 5,000 हो जाएंगे, यस और नो? हो जाएंगे। तो पेमेंट जल्दी प्रोसेस होगी, ये जो फ्लिपकार्ट अमेजोन या और कोई लोग बिग बिलियन सेल या फलानी सेल करते हैं तो वो कैसे कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं, माइक्रो सर्विसेज रन करते हैं और ये लोग करते हैं किसमें, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन से। समझ में आया? अब मैं ये क्यों बता रहा था वो उस पर आऊंगा, यामिल और जेसॉन पे आऊंगा इसके बाद। तो देयर आर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर्स जैसे डॉकर स्वाम इज कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन फॉर डॉकर, लेकिन वो अगर कुछ नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं तो उसमें ठीक काम करता है। मैसिव कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए देर इज समथिंग कॉल्ड एज कुबरनिटीज। कितने लोगों ने कुबरनिटीज का नाम सुना है, सुना है कि नहीं सुना है? कुछ बोले? सुना है सर, सुना है। अब मैं एक्चुअली आना चाहता था कुबरनिटीज पे, तो ऐसे घूम कर आया। तो अब हमको ये समझ में आया कि अगर मुझे कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन करना है, जिसका कारण हमको पता चल गया क्यों करना है, करना इसलिए है क्योंकि हम मैसिव
माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं, जैसे ओला, उबर, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड व्हाट नॉट, तो ये सारे लोग आज की डेट में सर्वर बेस्ड मोनोलिथिक सर्वर बेस्ड काम नहीं करते, ये माइक्रो सर्विसेज बेस्ड सर्विसेज देते हैं, ताकि कोई भी एक कंपोनेंट जिस पे लोड बढ़ रहा है उसके कंटेनर्स बढ़ जाएं और लोड ठीक ठाक हैंडल हो जाए। तो अगर ये नोड अपने आप बढ़ जाए घट जाए होना चाहिए तो कैसे होगा भैया? तो उसके लिए यू रिक्वायर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है? तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन करने से होगा, तो उसके लिए कुबरनिटीज है। आप मुझे कुबरनिटीज कॉन्फ़िगर करना है, सो आई कैन राइट अ यामल फाइल विच इज वेरी सिमिलर टू जेसॉन फाइल, सो आई कैन फ्रॉम स्क्रैच आई कैन कॉन्फ़िगर अ यामल फाइल एंड देन इफ आई एग्जीक्यूट दैट यामल फाइल आई कैन क्रिएट द हेल लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर which will be having so many containers and they will be orchestrating with each other and they will serving the needful. Yes or no? जानकारी काम की थी कि नहीं थी? Hello? हाँ या नहीं? तो आप आते हैं, ये इतना सारी कहानी पूरी हो गई, अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। बहुत बार ये अच्छा होता है कि हमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना है वो हम जाकर मैनेजमेंट कंसोल पे जाकर क्रिएट करने के बजाय एक यामेल या जेसॉन फाइल लिख दें जिसके अंदर ये सारा कुछ लिखा रहेगा, तो सारी कहानी लिख जाएगी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए है, और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो विद इन फ्यू मिनट्स इट विल क्रिएट ऑल दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर यूजर्स, वेदर EC2 इंस्टेंसेस, वेदर S3 बकेट्स, वेदर अदर इंटरफेसेस एंड व्हाट नॉट। सो थर्ड पार्टी इंडस्ट्री में फेमस सॉफ्टवेयर है टेराफॉर्म, और AWS में उसका अल्टरनेटिव है क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है? आप लोग जब ये खत्म होएगा तो पढ़ लेना जाकर क्लाउड फॉर्मेशन क्या है। सो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। अमन वर्मा, ये समझ में आया? हेलो, ठीक है? तो अभी यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये शायद लैब सही से क्रिएट नहीं होगी, मतलब यूजर्स क्रिएट नहीं हुए होंगे, इसलिए प्रॉब्लम गई, और मेरा लॉग ऑन भी पहले का कुछ था, है ना, इस कारण से जो है। So again, I will be trying to start this lab. I'll going to start lab. अगर मान लो ये लैब नहीं स्टार्ट होगी तो हम यहीं से समझ लेंगे और आप लोग कर लेना, है ना, देख लेते हैं।
So lab is in creation. If you have any question, you can ask. If you'll ask question, that means you are doing something or you are interested in AWS. Otherwise, it is just like a customary thing going on. कितने लोगों ने इसके पहले तक के मॉड्यूल जो है लैब और नॉलेज चेक कर लिया है, हैंड रेज करके बताएं। नहीं, वो तो इंट्रोडक्शन रहता है, वो डिपेंड करता है, डे टू में भी शायद नहीं रहती है, हो भी सकती है। लैब से चार लग रहे हैं, सीक्वेंस क्या है? जीरो मॉडल 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, कोई दूसरा ट्रेनर है मतलब? ओके, सो दिशा पटेल हैज डन, एनीबॉडी एल्स? इसमें देख के बता देंगे, हमारे पास एक स्नैपशॉट है, वो आप देख लेंगे। दिशा पटेल हैज डन, और कौन है भाई? केवल दिशा पटेल ने किया है? मैं नाम से पूछता हूँ हर एक से। खैर, मेरे पास ग्रेड्स में समझ में जाता मुझे कि किसने किया किसने नहीं किया, तो अलग बात है। विल वेट फॉर फ्यू सेकंड्स टिल द लैब इज क्रिएटेड। ओके, सर ये लैब सबके लिए एक्टिवेटेड है? So still lab is being created. Okay, it is taking some time. We'll wait for it. We have no choice to wait. Because I don't want to close this also, because this may create problem.
because while terminating we can close this, but while initiating we shouldn't close this. We'll wait for a minute. If it takes more time, then we can close this and we can try with AWS console. Otherwise, we'll go for a theoretical thing by we'll go browse the things which are given there. I'll explain you and you can do that on your own. Let us see. It never took this much time earlier. Sir, is this lab is activated for everyone? What are you saying? Sir, is this lab is activated for everyone? All can access it. So now we got the console. Since yesterday, it is showing internal error. That will resolve. Now you can see this is here. Okay, so now we'll do here. Then if you anybody personally facing any problem, that we can resolve later. So now we got the console. Okay, and let us see what we have to do. So firstly, we have to go here. Now we have to create. So in this task, you will explore users and group that have already been created for your IAM. मतलब ये है कि इस एनवायरनमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्लाउड फॉर्मेशन से ये यूजर ऑलरेडी बन चुके हैं. मतलब यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है ना. यूजर वन, उसकी परमिशंस कुछ होंगी, ठीक है ना. तो हमको क्या करना है, यहां पर देखना है पहले. तो देखने के लिए हमको IAM सर्विस में जाना है. तो या तो रिसेंटली यूज किया होगा तो सर्विस यहां दिखेगी, नहीं तो यहां पर टाइप करेंगे IAM. सो नाउ प्रेजेंटली, अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात और है, वो ये है कि प्रेजेंटली यू आर the administrative user and inside that you have some users and groups. Okay, so now you are on the IAM consoles, and now if you click on users here, yahan se kar le chahe yahan se kar le, jab bhi aap jaisa aapne pichle usme bhi dekha hoga, nahi dekha hoga to aap mera YouTube jo maine isi ke banaye hain usme dekh sakte hain. तो जिस भी कंसोल में रहते हैं उससे रिलेटेड चीजें लेफ्ट साइड यहां पर दिखाता है. सो आइदर यू क्लिक हियर और क्लिक हियर, इट वन एंड द सेम. सो नाउ यू विल सी द यूजर्स हियर. सो यू कैन सी दैट यू हैव दीज यूजर. ओके, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन यूजर वन. विल क्लिक ऑन यूजर वन एंड this will bring, now we'll go for permissions tab.
So we'll go to the permissions tab. It is already open here. It is already open. Now in user one, we have to go to the groups tab. So presently no group is associated. Okay. So user one is not a member of any group. Now we have to go for security credential tab. So we'll go to the security credential tab. So you can see that the console for this user is this. कल मैंने थ्योरी में बताया था कि यूजर जो है उसके साथ एक ये न्यूमेरिक बंच एसोसिएटेड होता है और फिर उसका नाम होता है IAM यूजर का. तो दिस इज द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल. यूजर वन इज असाइंड ए कंसोल पासवर्ड, ठीक है ना, तो वो इसमें होगा. इसके पास कंसोल पासवर्ड इनेबल्ड है. आप मैनेज कर सकते हैं. मैनेज कर सकते का मतलब इसको रिफ्रेश कर दो, रीसेट कर दो वगैरह जो भी है. फिर जो पासवर्ड दोगे चेंज एट द यूजर टाइम, वो मतलब सारा जहां मतलब दूसरे जगह करा जा सकता वैसा आप कर सकते हो. यू कैन गो फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. प्रेजेंटली इट इज नॉट असाइंड, ठीक है. तो ये देखना बस है, करना कुछ नहीं है. वापस हमको ग्रुप्स में आना है. We'll come back to the groups and when you come to the groups, we have to add group now. Okay. Now, अब यहां groups में नहीं जाना है, हमको groups देखना है. तो इसको अभी कुछ देना नहीं है, है ना. यहां जो लिखा है इसके हिसाब से केवल देख लिया हमने इसको. अब हम लेफ्ट से ग्रुप्स देखेंगे. अभी हमने यूजर्स देख लिए, अब यहां से हम ग्रुप्स देखेंगे. सो यू कैन सी दैट देर आर EC2 एडमिन ग्रुप, सपोर्ट ग्रुप एंड S3 ग्रुप, ठीक है ना. अब इसमें हमको सपोर्ट ग्रुप पे क्लिक करना है. अभी भी क्लिक क्यों करवा रहा है, बिकॉज You want to see कि उसके अंदर है क्या. Permissions tab में जाना है. So you can see यहां पर कोई policy attached है. ये IAM policy attached है, ठीक है ना. So you can attach bunch of policies to any group or you can attach bunch of policies to any user. These IAM policies are responsible for what a user or a group can do. Okay. तो जैसे यहां पॉलिसी दिख रही है Amazon EC2 read only access. तो ये पॉलिसी EC2 support के साथ है केवल, ठीक है ना. तो ये एक पॉलिसी दी हुई है. अब actions के अंदर show policy क्लिक करोगे तो वो पॉलिसी बता देगा. Show policy. अब ये कौन सा फॉर्मेट है, तो मैं इतनी देर से जेसॉन और यामिल का बखान कर रहा था. वो इसलिए कर रहा था कि आज की डेट में सारा अस्त्र शस्त्र जो है उसके अंदर यामिल या जेसॉन ही होता है, ठीक है ना. तो इसलिए सो यू हैव सीन दिस पॉलिसी. ओके. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ IAM पॉलिसीज, अलाउ और डिनाय परमिशन, ठीक है ना. तो यहां पर कुछ स्पेसिफिक कॉल्स, वो API कॉल कैन बी मेड, है ना. रिसोर्स में कौन सा चीज, कौन सी रिसोर्स को क्या दे रहा है वो भी उसने दिखाया है ना. यहां पे फिर से अगर देखोगे तो यू कैन सी हियर Allow EC2 describe effect allow
इलास्टिक लोड बैलेंसिंग डिस्क्राइब अलाउ क्लाउड वॉच लिस्ट मैट्रिक्स गेट मैट्रिक्स, मतलब ये देख दाग बस कर सकता है ये ग्रुप जो है। मतलब वैसे भी इस ग्रुप का नाम क्या है, EC2 सपोर्ट, तो ये बैठ के देखेगा कि भैया क्या हो रहा है, ठीक है ना। सो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स इट इज डूइंग। इसको बंद कर देंगे फिर हम आएंगे EC2 एडमिन में। तो फिर यहीं से ग्रुप्स में चले जाओ, EC2 एडमिन में चले गए, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, जो आपको दिख भी रही होगी वहां इनलाइन पॉलिसी चेक्ड है, मतलब टिक मार्क है। दिस ग्रुप इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टू ग्रुप, एक बार देख ही लेते हैं। यहाँ पे ग्रुप्स में जाओगे, यू कैन सी आउट ऑफ दीज थ्री ग्रुप्स एडमिन में इनलाइन पॉलिसी टिक्ड है ना, बाकी में नहीं है। क्यों नहीं है वो देखते हैं यहाँ। विच इज अ पॉलिसी असाइंड टू जस्ट वन यूजर और ग्रुप, इनलाइन पॉलिसीज आर टिपिकली यूज टू अप्लाई परमिशन फॉर वन ऑफ सिचुएशन। मतलब यहां पर मैनेज्ड पॉलिसी की जगह इनलाइन पॉलिसी है, तो इनलाइन पॉलिसी जो है हम स्पेशली किसी ग्रुप या यूजर को देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इसको शो करेंगे, शो पॉलिसी, तो यू कैन सी एक्शन डिस्क्राइब स्टार्ट स्टॉप, ठीक है ना। तो ये डिस्क्राइब के साथ साथ स्टार्ट और स्टॉप भी कर सकता है, ठीक है। ये है, नाउ वी कम टू द बिजनेस सिनेरियो। अब यहां से वापस IEM में चलते हैं। वी कम टू द बिजनेस सिनेरियो। व्हाट इज द बिजनेस लॉजिक बिहाइंड दिस? User one is assigned to a group which can only have a read access to S3 bucket. User two is assigned to a group which is only having the read only access to EC2. ये bucket को देख सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। ये EC2 instance को देख सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। जैसे कुछ compounder होते हैं ना वहां पर, जो मरीज को देख सकते बाकी कुछ नहीं कर सकते। मान लो मरीज कुछ हाय तौवा मचाने लगे तो दौड़ के डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब वो ऐसा कर रहा है, नहीं। तो वैसे ही हालत इन दोनों की है, करने वाला तो केवल यही है ना। सो यूजर थ्री, इट कैन स्टार्ट स्टॉप EC2 इंस्टेंस, वो भी हर कोई नहीं जिसके राइट्स इसको मिले हैं, है ना। सो दिस इज द बिजनेस सिनेरियो। अब हमको करना क्या है, हमने अलग से यूजर्स देखे जिनके पास कोई ग्रुप नहीं है, अलग से ग्रुप्स देखे जिनकी कुछ पॉलिसीज हैं। अब हमको किसी किसी यूजर को कोई कोई ग्रुप देना है, ओके। सो अब आपने बिजनेस पॉलिसी कहती है कि आपने यूजर वन को हायर किया और वो आपको सपोर्ट देगा, मतलब उसको आपने सपोर्ट रोल में सिलेक्ट कर लिया और आप उसको बोलोगे भैया तुमको S3 बकेट देखना है, ठीक है। तो आप ग्रुप्स में जाओगे, ग्रुप्स में जाके S3 सपोर्ट क्लिक करोगे। S3 सपोर्ट क्लिक करने के बाद यूजर्स टैब में जाओगे, यूजर्स टैब ऑलरेडी हैं, और एड यूजर टू ग्रुप में जाओगे और यहां से यूजर वन सिलेक्ट कर लोगे और एड यूजर्स कर दोगे, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा।
आप इसी तरह से EC2 सपोर्ट में जाओगे, S3 सपोर्ट से बाहर आ जाओगे, EC2 सपोर्ट में गए, एड यूजर टू ग्रुप, इसमें ऐड करना है यूजर टू, तो यूजर टू को एड यूजर कर दोगे। इसी तरह से EC2 एडमिन ग्रुप में जाओगे, एड यूजर टू ग्रुप, इसमें यूजर थ्री को डाल दोगे। तो नाउ यू हैव दिस सिनेरियो। अब हमको बारी बारी से अलग अलग यूजर में साइन इन करके देखना है, ठीक है ना। अब इसमें डैशबोर्ड में जाओगे आप, लेफ्ट में से डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड में गए, यानी कि आप IAM के मेन कंसोल में आ गए। अब यहां से IAM यूजर साइन इन लिंक विल बी डिस्प्लेड इस तरह से, ये है, ये लिंक कॉमन है। कॉमन है मतलब आपके AWS के रूट अकाउंट में जितने भी IAM यूजर होंगे सबकी लिंक यही होगी, लेकिन उसके बाद उनका यूजर पासवर्ड अलग रहेगा, ठीक है ना। सो कॉपी करना है इसको, तो इसको मैं ऐसे यहीं से कॉपी कर लेता हूं, ये कॉपी हो गया। लेकिन क्या है, बार बार लगेगा, तो नोटपैड में कॉपी करना ज्यादा सही है, क्योंकि आप बार बार लॉग आउट करोगे फिर लॉग इन करोगे, इसलिए बेटर है यू विल कम टू अ नोटपैड। And we'll copy this link so that we can take it as and when required. So we have this, so I'll minimize it and I'll go back here. Okay, so now what we'll do, we'll copy this and yahan se hum incognito window kholenge, kyunki aap private browsing karna chahte ho, theek hai। और यहां पर आप इसको पेस्ट कर दोगे एंड यू विल एंटर। सो दिस इज इन प्राइवेट ब्राउजिंग, ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू यू, यस और नो, स्क्रीन इज विजिबल, yes sir, okay, so from left hand side we have taken incognito window and incognito window we have pasted this endpoint, so you can see this is our 12 digit id which is for our specific AWS account। aapke paas jaise maan lo educate account ya koi bhi dusra account hai usme bhi aapka ek ye digits hote hain, तो आप भी IAM यूजर को करोगे तो वैसे ही करोगे, मतलब आप अगर किसी को कुछ असाइन करोगे,
तो यहां पहुंचने के बाद विल कम बैक हियर एंड नाउ वी हैव टू साइन इन. सो योर यूजर नेम इज यूजर वन. तो यूजर वन, पासवर्ड, पासवर्ड इज लैब पासवर्ड वन. So in private browsing now, so this will be a difference that now a limited access user has logged in. So this is user one at the rate this, okay. So now सर्विसेज से हमको S3 में जाना है क्योंकि यूजर वन को आपने S3 सर्विसेज असाइन की हैं और हमको चेक करना है कि हम क्या कर सकते हैं. सो वी आर नाउ इन द S3 कंसोल. ओके, एंड तो जो भी बकेट हमको यहां पर दिखेगी वहां पर हम जाएंगे और उसके कंटेंट ब्राउज करके देखेंगे, ठीक है ना. सो दिस इज वन ऑफ द बकेट, इसको क्लिक किया, ठीक है. और इसमें आप कोशिश करोगे क्रिएट फोल्डर, ठीक है ना, कुछ भी ट्राई, ठीक है ना, क्रिएट फोल्डर. सो इनसफिशिएंट परमिशन टू क्रिएट फोल्डर. व्हाई? बिकॉज दिस यूजर इज कैन हैव ओनली ब्राउजिंग. इसको राइट्स केवल ब्राउजिंग के हैं, इसलिए इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकता, ये केवल देख सकता है. नाउ विल टेस्ट वेदर दे हैव एक्सेस टू ईसी टू, ठीक है ना. इसी बंदे को, यूजर वन को ईसी टू की इंस्टेंस दिखेगी कि नहीं दिखेगी, वो देखना है, ठीक है. दैट वी हैव टू सी. So we'll come here and here we'll write EC2. What we'll do, if any instance will be shown to us, we'll try to stop that instance. Okay. So instance mein jayenge. Theek hai. और रीजन देखेंगे, हो सकता है इस रीजन में इंस्टेंस ना हो, किस रीजन में है वो देखना है. ओहायो सपोर्ट है ना. ओहायो सपोर्ट सही है, लेकिन कोई भी इंस्टेंस नहीं है भी तो भी नहीं दिख रही उसको, बिकॉज उसको राइट्स ही नहीं है, देखने के भी राइट्स नहीं है उसको, केवल S3 देखने के राइट्स हैं, इसलिए वो दिख गया, गनीमत है मतलब उसके लिए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लॉग आउट. वी विल साइन आउट विद दिस यूजर एंड वी विल टेस्ट अनदर यूजर. ओके, सो वी विल अगेन फ्रॉम दिस नोटपैड विल कॉपी दिस कंसोल एंड विल पेस्ट इट एंड अगेन will get IAM user with this particular 12 digit account. Now
till it will be loaded, we'll come here. Now we have to go for IAM user 2. So we'll copy 2 here from here. And here we'll paste user 2. Password is lab password 2. So why we have taken the incognito window? Because we don't want to fiddle it out with the other things of the main user. That is why. Now we are in user 2. Now user 2 is only having the support of EC2 instance, only it can watch. Okay, so if we go Oregon and support, we have to go to Oregon and support. So from here, we have to first check Oregon. So this is your availability zone. And we have to go to EC2 instances. So we'll go to the instance from left hand side. And you can see one instance is running. Now what we should do? We'll try to first, we have to select it. I've selected it. So I'm trying to stop this instance. Stop. So it is saying fail to stop instance. Why? Because you don't have any right to stop this instance. Aap isko dekh bas sakte hain. Compounder hai ye, dekh sakta hai. Doctor ko batayega, bhaiya kuch problem hai. So only it can see. Okay, so that is the thing. So this error we got, we can't stop it. Now we try to have S3. ठीक है ना, कि इसको क्या S3 buckets के rights हैं वो देखेंगे. तो उसको बेचारे को देखने की भी rights नहीं है. पहले वाले को तो देखने के rights थे. अब ये अननोन एरर, क्योंकि एक्सेस ही नहीं कर सकते आप. ठीक है ना, नहीं है, आप देख भी नहीं सकते. वो वाला तो देख सकता था. गॉट इट? तो ये केवल ऊपर का नाम देख सकता कि हाँ ऐसी कोई बकेट है. इसके अंदर क्या है? इट कांट इवन ब्राउज इट. तो गॉट इट? तो जितने आप राइट्स दोगे उतने ही मिलेंगे. नाउ वी हैव टू साइन इट आउट. And we have to check S3, user 3 now. So from here you sign out. And again from here we copy the console and paste it here. And now we'll go for user 3. User 3 ke paas jyada rights hain. Now we are in user 3. Now let us see. First we'll go to the instances. We'll try to stop. Agar ye stop hoti hai, to matlab hamara kaam ho gaya. To yahan par dekhenge.
और ये लैब भी कंप्लीट हो जाएगी। सो हम EC2 इंस्टेंस में जाएंगे, यहां से इंस्टेंसेस में जाएंगे, और ये इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके स्टॉप इंस्टेंस पे जाएंगे, सक्सेसफुली स्टॉप्ड। इसका मतलब इसके पास राइट्स थे जो कि हमने दिए थे नेचुरली। तो यहां से हमारी ये लैब खत्म होती है, ठीक है ना। सो विल गो फॉर एंड लैब, कंसोल बंद कर देंगे। यू हैव डन इट। सो देन विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।